सो अगर हम कार पे बात करें कि आइडेंटिफिकेशन की, तो कुछ इस तरह से आपको हाई वोल्टेज सॉकेट कनेक्टर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये पूरी ऑरेंज केबल है। और अगर लेबल की बात करें तो आपको इस तरह से यहाँ पर स्टिकर मिलेगा येलो कलर में और ब्लैक वर्डिंग वार्निंग साइन। तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज का साइन है और ये डोंट टच अनलेस यू हैव पीपीई प्रॉपर पीपीई, ये सब हाई वोल्टेज सिस्टम है इधर में। हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ये हमारा ईवी व्हीकल्स का थर्ड सेशन है। तो आज के सेशन में बात करेंगे हाई वोल्टेज कंपोनेंट की किस तरह से पहचान कर सकते हैं हम, किसी भी जब भी हम कभी किसी भी कार के अंदर काम करेंगे तो किस तरह से कंपोनेंट को पहचान सकते हैं कि हाई वोल्टेज कंपोनेंट है। तो उसके लिए देखिए, जनरली जो है दो पहचान होती है जो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत बेसिकली चीज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूंगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए, ऑरेंज केबल होती है, जितने भी हाई वोल्टेज कंपोनेंट होंगे वहां पर ऑरेंज केबल का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये कलर कोड है हाई वोल्टेज केबल का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देखिए, ये वायर होती है कई मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये मतलब बैटरी से सीधा मोटर तक जाती है, तो काफी इनकी लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। अब क्या हो कि अगर ये डिफरेंट कलर इसमें यूज करें कि जो मोटर को जा रही है उसका डिफरेंट कलर हो, जो ऑन बोर्ड चार्जर से आ रही है उसका डिफरेंट कलर हो, तो उसमें कंफ्यूजन है। और मान लिया जाए कि अगर ये स्टिकर भी लगाए कि हाई वोल्टेज वायर है, अब इतनी लंबी वायर के अंदर अगर एक या दो स्टिकर लगाएंगे तो ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि भाई वायर हमें कहीं और से टच करनी हो, ना कि स्टिकर साइड से। और स्टिकर एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टिकर जो है उखड़ भी जाएगा, ठीक है, वो पिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ने इनको ऑरेंज कलर में बनाया है, ताकि अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके और अपने आप को सेफ कर सके आदमी कि भाई ये हाई वोल्टेज कंपोनेंट है तो इसमें किस तरह से काम करना है, ठीक है। और उसके बाद ये तो केबल की बात हो गई, हाई वोल्टेज केबल की। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के ऊपर देखिए आपको एक येलो स्टिकर बना हुआ मिलेगा इस तरह से। तो येलो स्टिकर में ब्लैक वर्डिंग से इसकी जो वार्निंग साइन लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दो पहचान है मेनली। और थर्ड पहचान कंपनी बेसिकली बस ये दो ही पहचान देती है कि ऑरेंज केबल और स्टिकर। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये स्टिकर उखड़ जाए तो फिर आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं। देखिए, जितने भी हाई वोल्टेज कंपोनेंट है, हर हाई वोल्टेज कंपोनेंट की जो जॉइंट है वो भी ऑरेंज कलर के होंगे, और जो हमारा केबल का जॉइंट होगा वो भी ऑरेंज कलर का होगा। तो ये इसकी पहचान है। और क्योंकि ये मोस्टली लोगों को शायद पता भी हो हाई वोल्टेज कंपोनेंट का, लेकिन ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सो अगर हम कार पे बात करें कि आइडेंटिफिकेशन की, तो कुछ इस तरह से आपको हाई वोल्टेज सॉकेट कनेक्टर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये पूरी ऑरेंज केबल है। और अगर लेबल की बात करें तो आपको इस तरह से यहाँ पर स्टिकर मिलेगा येलो कलर में और ब्लैक वर्डिंग वार्निंग साइन। तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज का साइन है और ये डोंट टच अनलेस यू हैव पीपीई प्रॉपर पीपीई, ये सब हाई वोल्टेज सिस्टम है इधर में। और अगर इसके पीछे की बात करें तो पीछे इसके अंदर जो है यहाँ पर अगर पीछे बात करें तो इसमें ये एडास मॉड्यूल है, जिनको बोलते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग फंक्शन। तो ये कार जो है ड्राइवरलेस ड्राइविंग है। तो फ्यूचर में जब भी हम एरमेटिक सस्पेंशन पे बात करेंगे और एडास पे बात करेंगे, क्योंकि ये एरमेटिक सस्पेंशन के टैंक हैं इधर में। और यहाँ पर ये 12 वोल्ट कैपेसिटर है ये, और ये आपका जो है लिथियम बैटरी है 12 वोल्ट। तो जब भी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर में, जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी, तो आप इनके बारे में समझते जाएंगे कि ऑटोनोमस जो ड्राइविंग लेस कार होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर ये दो मॉड्यूल हैं, ये मास्टरमाइंड है। तो इस कार को आप बिना ड्राइवर के भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सो ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपफुली यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सी यू गाइस।